दोस्तों, कंप्यूटर ने मनुष्य की दुनिया बदल दी है और अब ये हमारी जिंदगी की आम जरूरत बन चुका है। अब उंगलियों के दम पर सारे काम किए जा सकते हैं। एक तरफ जहां कंप्यूटर ने जिंदगी को आसान बना दिया है, तो वहीं किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर दी है। जी हां, इसकी वजह है हैकिंग। कंप्यूटर का इस्तेमाल करते वक्त हर किसी को डर लगा रहता है कि कहीं हमारा सिस्टम भी हैकिंग का शिकार ना हो जाए। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे देश के बारे में जहां हैकिंग कूट कूट कर भरी हुई है, जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे सभी हैरान हो गए हैं। दोस्तों, हैकर्स की संख्या में 10वें नंबर पर आता है हंगरी देश। यूरोप का एक छोटा सा देश हंगरी देश, इसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन हंगरी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दुनिया के किसी भी और जगह पर नहीं होती हैं। हंगरी यूरोप के पूर्व में स्थित एक छोटा सा देश है, जिसे एक बहुत ही प्राचीन देश माना जाता है और एक समय में ये देश रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। हंगरी में बोले जाने वाली भाषा हंगेरियन है, जिसे हंस प्रजाति से काफी प्रभावित माना जाता है। हंगरी एक ऐसा देश है जिसके पास कुल 13 नोबेल प्राइज मौजूद हैं, जो कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी अधिक है। हंगरी में पैदा होने वाले बच्चों का नाम खुद से नहीं रखा जा सकता। हंगरी सरकार के द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है और माता पिता को अपने बच्चे का नाम उसी लिस्ट में से रखना होता है। इस देश की जनसंख्या लगभग 97 लाख है, यानी कि 1 करोड़ से भी कम। इस देश के पास बहुत सारे अलग अलग हैकिंग नेटवर्क हैं और पूरी दुनिया में जो हैकिंग की घटनाएं होती हैं, उनमें से 1.4% घटनाएं इसी देश से होती हैं। इस देश के लोग बुद्धिमान होते हैं और उनका IQ लेवल भी अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा हाई होता है। इस देश के लोग अच्छे से अच्छे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने में काफी आगे होते हैं। यहाँ की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा विकसित है, इसीलिए इस देश में हैकिंग करना एक आम बात हो गई है। दोस्तों, 9वें नंबर पर हैकर्स की संख्या में इटली है। इटली यूरोपीय महाद्वीप में बसा एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल करीबन 3,12,30 वर्ग किलोमीटर है। इटली से फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा स्लोवेनिया की सीमाएं लगती हैं। इटली पर्वतीय देश है, इसके उत्तर में आल्प्स पहाड़ और दक्षिण में अपेनाइस पहाड़ फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या लगभग 6,47,00,000 के आसपास है। इटली बहुत ही खूबसूरत देश है, यहाँ पर हर साल सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। इटली की बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक चीजों की यूरोपियन देशों में बहुत मांग है और पूरी दुनिया में जो हैकिंग की घटनाएं होती हैं, उनमें से 1.6% घटनाएं इसी देश से होती हैं। इटली के 2 हैकर सबसे बड़े हैकर माने जाते हैं, जो हैकिंग की दुनिया में इटली का नाम रोशन किए हुए हैं। ये दोनों सरकारी वेबसाइट को भी हैक करने में पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। इटली में 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इटली की अर्थव्यवस्था दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत, जी हाँ, भारत हैकर्स की संख्या में 8वें नंबर पर आता है। भारत जैसे एक कम धनी राष्ट्र में जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए मारा मारी मची रहती है, वहाँ भी अगर ऐसे फेमस एथिकल हैकर्स हैं, तो ये हम भारतवासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ, भारत के पास बहुत सारे कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। इनमें से बहुत सारे हैकर्स भी हैं, जो अक्सर मीडिया में सामाजिक संदेश पहुंचाने के लिए सरकारी वेबसाइटों को हैक करते रहते हैं। और इनमें से कुछ हैकर्स तो देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले भारतीय हैकर्स द्वारा अमेरिकी व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया था। इस काम के लिए अमेरिकन पुलिस ने उस हैकर को गिरफ्तार तक कर लिया था। इस हैकर को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस हैकर को अमेरिका में ही एक गवर्नमेंट नौकरी सौंप दी। ऐसे ही एक और हैकर था, जिसने पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर भारत का तिरंगा लहरा दिया था। और पूरी दुनिया में जो हैकिंग की घटनाएं होती हैं, उसमें से 2.3% घटनाएं भारत देश से ही होती हैं। दोस्तों, 7वें नंबर पर है रोमानिया। रोमानिया हैकर्स की संख्या में 7वें नंबर पर आता है। यूरोपीय देश रोमानिया एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ 96% लोगों के पास खुद का घर है। यहाँ के लोगों को किराए के घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। केवल घर के मामले में ही नहीं, बल्कि इस देश की और भी कई सारी बातें हैरान करने वाली हैं। रोमानिया हंगरी का एक पड़ोसी देश है। हर साल दुनिया में जो साइबर अटैक होते हैं, उनमें से 3.3% रोमानिया देश के हैकर्स द्वारा ही किए जाते हैं। रोमानिया में एक गुप्त जगह है,
जिसे रैमनिकू वेल्सिया के नाम से जाना जाता है, जो रोमानिया के सभी हैकर्स के लिए एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है। रोमानिया के हैकर्स ऐसे ही हैकिंग नहीं करते हैं, जब उनके देश या उनको जरूरत पड़ती है तभी वो हैकिंग करते हैं। ब्राजील, जी हाँ, ब्राजील की कुल आबादी 21 करोड़ है और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का छठवां सबसे बड़ा देश है। इस देश का क्षेत्रफल 83,58,140 वर्ग किलोमीटर है। इस देश में 88% लोग शहरी तथा 12% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। सबसे ज्यादा हैकर्स की लिस्ट में ब्राजील छठवें नंबर पर आता है, क्योंकि दुनिया भर में जो हर साल साइबर अटैक होते हैं उसमें से 3.4% हैकिंग ब्राजील देश से ही की जाती है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के हैकर्स आम तौर पर बैंकों से पैसे चुराने के लिए हैकिंग करते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और वो है डिजिटल एवोल्यूशन। पिछले कुछ सालों में हमारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होने लगे हैं और ब्राजील में भी ऐसा ही हुआ है। इस कारण ब्राजील के हैकर्स को पैसा चुराने में आसानी होती है, यानी इस डिजिटल युग में चोरी भी अब डिजिटल तरीके से होने लगी है। ताइवान, हैकर्स की संख्या में ताइवान 5वें नंबर पर आता है। चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ ये देश ताइवान, जिसे चाइना हड़प लेना चाहता है, वो एक छोटा सा देश है जो श्रीलंका से थोड़ा बहुत ही बड़ा है। ताइवान की कुल जनसंख्या में लगभग 80% लोग मूल निवासी हैं और 15% लोग चीन से आकर यहाँ बस गए हैं और 5% जनसंख्या अन्य देशों से आए हुए लोगों की है। लेकिन दोस्तों, हैकिंग की दुनिया में ताइवान बहुत ही आगे है, क्योंकि दुनिया में जितने भी साइबर अटैक होते हैं उनमें से 3.7% तो इसी छोटे से देश ताइवान से होते हैं। ताइवान में हैकिंग एक बहुत ही आम बात है, क्योंकि ताइवान के हैकर्स एक ग्रुप में हैकिंग करते हैं जो दूसरे देशों की सरकारी वेबसाइटों को हैक करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों तक को हैक करने की क्षमता रखते हैं। रसिया, यानी कि रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश, शक्तिशाली हैकर्स की संख्या में दुनिया में 4थे नंबर पर आता है, क्योंकि दुनिया भर में जो साइबर अटैक्स होते हैं उनमें से 4.3% साइबर अटैक रूस के हैकर्स द्वारा ही किए जाते हैं। रसिया को शक्तिशाली ऐसे ही नहीं कहा जाता है, और यहाँ पर हैकर्स की कमी भी बिल्कुल नहीं है। फेसबुक, एप्पल, गूगल जैसे बड़ी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उन्हें हैक करने में रशियन हैकर बहुत ही पॉपुलर हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसा किया हुआ है। जी हाँ, कहते हैं कि रसिया के हैकर हमेशा दूसरे देशों की सरकारी वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं, इसीलिए दुनिया में रसिया के हैकर को सबसे शक्तिशाली हैकर्स कहा जाता है। रूस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इतना विशाल देश होने के बाद भी रूस जनसंख्या में 7वें स्थान पर आता है। रूस हथियारों के मामले में सबसे आगे है। रूस भारत का सबसे खास दोस्तों में से एक है। दोनों देशों के बीच में अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। तुर्की, जी हाँ, हैकर्स की लिस्ट में तुर्की 3रे नंबर पर आता है। दुनिया में जितने भी साइबर अटैक होते हैं उनमें से 4.4% साइबर अटैक तुर्की के हैकर्स द्वारा किए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में कुछ ज्यादा ही विकास हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अटैक की गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं, और ऊपर से इस देश में साइबर अटैक और साइबर अपराध बेकाबू भी है। तुर्की की सरकार ने इस तरह की साइबर अपराध की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सख्त नियम और कानून बनाए हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही लागू होता है। यहाँ के हैकर्स दुनिया में धड़ल्ले से हैकिंग कर रहे हैं और लोगों की प्राइवेसी को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है USA। जी हाँ, दुनिया में जितने भी साइबर अटैक होते हैं उनमें से 10% साइबर अटैक अमेरिका के हैकर्स द्वारा किए जाते हैं। अमेरिका के हैकर्स हमेशा दुश्मन देशों की वेबसाइट पर नजर रखते हैं, खासकर रसिया की वेबसाइट पर। वैसे तो चाइना पर भी अमेरिका के हैकर्स नजर रखना चाहते हैं, लेकिन चाइना ने गूगल पर बैन लगाया हुआ है, तो इसलिए अमेरिका के हैकर्स को चाइना पर नजर रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अपने दुश्मन देशों की सरकारी वेबसाइटों की जानकारी चुराकर अमेरिका अपने आप को हमेशा तैयार रखता है। इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हैकर्स वाले देशों में नंबर 1 पर है चाइना। जी हाँ, चाइना आज के समय में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन देश है, क्योंकि अमेरिका को अब डर लगने लगा है कि कहीं चाइना हमसे आगे न निकल जाए। आज दुनिया में जो बड़े बड़े आविष्कार होते हैं उसमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आविष्कार लगभग चाइना में ही होते हैं। इन्होंने हजारों नए नए गैजेट्स बनाए हुए हैं और चाइना सिर्फ इसमें ही आगे है, ऐसा नहीं है। हैकिंग की दुनिया में चाइना के हैकर्स सबसे आगे हैं।
दुनिया भर में जो हर साल साइबर अटैक होते हैं उनमें से 41%, जी हाँ 41% अटैक चाइना से ही होते हैं। और अभी कुछ समय पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक चाइना के हजारों हैकर्स चाइना की सेना और रक्षा संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या कहना है इस वीडियो के बारे में आपका, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।